नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। संगे जे दान सुगे जो नमला छंजो बदो दने ग्यसो जे दागे जिन सोगे बे सो नमगे दोला विजे संगे दुबुज। आज का हमारा विषय है त्रिरत्न। त्रिरत्न की जब हम बात करते हैं तो त्रिरत्न जो बुद्धिस्ट में मेन, बुद्धिस्ट होने का मेन द्वार समान है। जब आपको कहीं किसी रूम में प्रवेश करना होता है तो बिना द्वार के आप रूम में प्रवेश नहीं कर सकते, उस द्वार में से अंदर आपको जाना पड़ता है। वैसे ही अगर आपको बुद्धिस्ट कहलाना है या फिर आपको एक बोध के पाथ में जाना है तो सबसे पहले आपको उसके द्वार पे पहुंचना होगा, द्वार से अंदर प्रवेश करना होगा। तो वो द्वार रूपी क्या है? त्रिरत्न में शरण गमन होना। तो शरण गमन होने के लिए हमें कि जो शरण गमन है उसे पहचानना। शरण जो तीन प्रकार के शरण है, शरण मतलब हम इस संसार के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो किसी ऐसे की शरण में जाएंगे जो इस संसार के दुखों से पार हो गया है, तो वो शरण। और गमन मतलब जाना, तो शरण गमन। शरण गमन जाने के लिए पहले शरण किस क्या है उसे पहचानना जरूरी है। अगर शरण ही नहीं जानोगे तो हम कैसे जाएंगे? उदाहरण के तौर पे जब कोई बच्चा होता है उसके पीछे एक मोटा सा कुत्ता, बहुत खतरनाक खूंखार कुत्ता भाग रहा है, तो वो अपने शरण ढूंढने के लिए किसके पास जाएगा? पहले वो सोचेगा कि कौन मुझे बचा सकता है। वो अपनी माँ के पास जाएगा सबसे पहले, क्योंकि उसको पता है कि उसकी माँ ही उसे कुत्ते से या फिर किसी भी हानि से उसे बचा सकता है, सकती है। तो वो उसके पास जाएगा क्योंकि उसको अपनी शरण की पहचान है, वो जानता है कि उसका शरण कौन है। अगर उसको अपनी शरण की पहचान नहीं होती तो वो भागते ही रहता, वो भटकता ही रहता। उसी प्रकार अगर हमें इस संसार के दुखों से छुटकारा पाना है तो हमें अपनी शरण को जानना होगा। शरण को ना जाने बिना हम इस संसार में भटकते ही रहेंगे। तो शरण में जो है तीन प्रकार के शरण है जिसे हम त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं, तो जानते हैं। तो पहले तो हम त्रिरत्न, उन्हें रत्न क्यों कहा गया है? त्रि मतलब तीन, तो रत्न क्यों कहा गया है? रत्न और जो बुद्ध धम्म और संघ है जो त्रिरत्न हम कहते हैं, तो त्रि मतलब तीन और रत्न मतलब इस संसार के जितने भी रत्न होते हैं, मणि इत्यादि, हीरा मोती जो हम रत्न कहते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं इस संसार में, बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते, कम पाए जाते हैं दूसरी चीज़ों के अकॉर्डिंग। तो जो त्रिरत्न होते हैं वो भी संसार में बहुत कम होते हैं, देखने में कम मिलते हैं, उनका आना बहुत कम होता है, दुर्लभ होते हैं इस संसार में, इसीलिए उन्हें दुर्लभ त्रिरत्न कहा जाता है। अगर तिब्बती भाषा में बोले तो कुंचो सुम को, मतलब जो दुर्लभ होते हैं। तो वो रत्न के साथ जो है छह प्रकार से, रत्न के साथ उनका जो वो दिया उपमा दी जाती है, छह प्रकार से मिलते हैं। जैसे कि रत्न जो होते हैं वो एकदम साफ होते हैं, वैसे ही त्रिरत्न जो है साफ होते हैं। रत्न जो होते हैं अमीरी गरीबी नहीं देखते, वो जिसके पास भी जाएंगे उनका जो मूल्य होता है वो सेम ही होगा, चाहे वो अमीर के पास जाए चाहे गरीब के पास मिले। वैसे ही जो त्रिरत्न होते हैं चाहे वो अमीर चाहे वो गरीब किसी के पास भी हो, उनका मूल्य सेम रहेगा और कोई भेदभाव नहीं करेंगे वो। इस प्रकार से जो है छह प्रकार के होते हैं, छह प्रकार का उपमा जो उन दोनों में मेल खाता है, इसीलिए उनको रत्न कहा गया है त्रिरत्न। तो त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न में से सर्वप्रथम जो है बुद्ध रत्न। बुद्ध रत्न, बुद्ध रत्न को अगर उपमा दी जाए तो एक डॉक्टर के रूप में रखा जाता है। और संग धर्म रत्न, धर्म रत्न किसे कहते हैं? उपमा दी जाए तो धर्म रत्न को दवाई के रूप में लिया जाता है। और संगरतन, संगरतन को एक नर्स के रूप में लिया जाता है। जिस प्रकार अगर आपके अंदर कोई बीमारी है आप उसे ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, सीधी दवाई ले तो नहीं लोगे अगर, क्योंकि आपको अगर पता नहीं होगा तो पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेनी होती है, तो आप पहले डॉक्टर के पास जाओगे। उसी प्रकार अगर आपको इस संसार के दुखों से छुटकारा पाना होगा तो जो डॉक्टर रूपी बुद्ध है उनके पास आप जाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे? जो डॉक्टर है आपको दवाई लिख के देगा। तो उसी प्रकार जो बुद्ध ने आपको वचन अपने उपदेश दिए हैं वो जो दवाई के रूप का काम करता है। डॉक्टर आपकी बीमारी ठीक नहीं करेगा, आपको दवाई खानी होगी, दवाई खाने के बाद ही आप ठीक होंगे। और उसके बाद अगर आपको पता नहीं होगा कि दवाई कैसे लेनी है, किस टाइम पर लेनी है, डोज कितना लेना है, तो मिस डोज हो गया तो आप और ज़्यादा बीमार हो जाओगे।
इसीलिए ये जानने के लिए आपको नर्स की जरूरत होती है। तो ये क्या है, संग रतन इसका काम करते हैं। तो इन तीन रत्नों में से जो मैन हमें इस संसार से तारते हैं वो कौन सा रत्न है? बुद्ध रतन भी नहीं, संग रतन भी नहीं, वो धर्म रत्न है। धर्म रत्न जो है आपको डायरेक्ट इस संसार से तारते हैं। बुद्ध का क्या काम है? बुद्ध आपको अपने वचन देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन वो आपको अपने आपके जो दुख है, सूत्र में कहा गया है कि बुद्ध जो है आपके पापों को पानी की तरह अपने हाथों से नहीं धो सकते और इस संसार के दुख को अपने हाथों से साफ नहीं कर सकते, और अपने अंदर जितने भी गुण है वो किसी और के अंदर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। केवल अगर आपको इस संसार से प्राप्त कर दुखों का छुटकारा पाना है तो उनके बताए गए जो मार्ग है, जो शून्यता का मार्ग है, उसका प्रैक्टिस करने के उपरांत ही आप क्या है इस संसार से छुटकारा पा सकोगे। तो जो मैन होते, तो अगर जब हम जो बुद्धत्व बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध रतन, बुद्ध रतन में बुद्ध रतन की जो विशेषताएं होती है, काय वाक चित्त से उनकी विशेषताएं होती है। जो उनका काय होता है वो एकदम, उनके काय को देखने मात्र से हमारा मन शांत हो जाता है, ऐसा उनका काय गुण है। और 32 महालक्षण, 80 उपमा वाले लक्षण, इसी प्रकार के कई गुणों से युक्त होते हैं। और जो उनकी वाणी होती है, उनकी वाणी जो है जहाँ भी संसार में, जिस संसार में उनकी वाणी फैल गई, उनकी वाणी को अगर हमने अपने जीवन में ला दिया तो हमारा उपकार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, हम इस संसार से छुटकारा पा लेंगे, ऐसी उनकी वाणी होती है। और उनका जो मन होता है, उनका जो चित्त होता है, वो क्या होता है, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको वो रियलिटी, उनकी जो रियलिटी होती है वस्तुओं की, शून्यता, स्वतः नहीं देखते, वैसे उनकी उनके जो चित्त का गुण होता है। तो इन तीन प्रकार के गुणों से बनते हैं। और उनके अंदर जो है जितने भी दूसरे प्राणी होते हैं उन स्व और पर की भावना नहीं होती, सभी प्राणियों को वो एक रूप से देखते हैं, मरीज के रूप से देखते हैं। सभी प्राणियों के अंदर के जो क्लेश होते हैं उनको त्यागने का, उनसे उनको कैसे छुटकारा दिलाएं, ये उनकी चित्त में भावना होती है। तो जो बुद्ध रतन होते हैं, बुद्ध में कई प्रकार के बुद्ध होते हैं, काय जो चार प्रकार के काय होते हैं, और जो बुद्ध के जितने भी काय हैं, काय उनके हाथ पैर या फिर आँख, जितने भी उनके शरीर के लक्षण हैं वो सब काय है, काय कहते हैं। बुद्ध कैसे प्राप्त होते हैं? कई प्रकार के, दो प्रकार के जो मेन ऑब्स्टिकल होते हैं क्लेश को त्याग करके, संसार की रियलिटी को न जानने के जो हमारे अंदर ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनको त्याग करके बुद्ध की प्राप्ति होती है। और बुद्ध को, बुद्धि की प्राप्ति होने के लिए भी जो है धर्म रत्न का होना बहुत ज़रूरी है। धर्म रत्न के अलावा बुद्ध रत्न के, धर्म रत्न के बिना जो है बुद्ध रत्न कभी प्राप्त नहीं होगा। तो धर्म रत्न क्या है? धर्म रत्न का प्रतीक, तो जो धर्म बुद्ध के जो सूत्र है वो धर्म रत्न के प्रतीक है, और जो बुद्ध की जो मूर्तियाँ प्रतिभा इत्यादि होती है वो बुद्ध के प्रतीक है। लेकिन जो धर्म रत्न है वो सूत्रों को हम जब महायान कहा जाते हैं तो धर्म रत्न उन्हें नहीं रखा जाता। धर्म रत्न किसे रखा जाता है? मार्ग और जो निरोध मार्ग है, निरोध और मार्ग जो दो प्रकार के, चार आर्य सत्यों में जो निरोध आर्य सत्य और जो मार्ग आर्य सत्य, उन दोनों को जो है धर्म रत्न रखा जाता है। इनके बिना बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो संग रतन किसे कहा जाता है? हर प्रकार के संघ को, बौद्ध भिक्षुणियों के मठ में जो रहने वाले बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको संघ नहीं कहा जाता है। यहाँ पर संघ किसे कहा जाता है? आर्य को, जिन्होंने सत्य का खोज कर लिया है। जो पांच प्रकार के पाथ होते हैं उसमें से जो दर्शन मार्ग होता है, जिन्होंने सत्य को साक्षात रूप से देख लिया होता है, वही जो है संग रतन कहलाते हैं। यहाँ पर ये तीन रतन, इसमें भी जो महायान और थेरवाद में थोड़ी भिन्नता दिखाई देती है। जब थेरवाद की बात करते हैं तो वो बुद्ध रतन किसे कहते हैं? वो बुद्ध रतन बुद्ध के शरीर को बुद्ध नहीं कहते, बुद्ध के अंदर की जो ज्ञान होता है उसे बुद्ध कहते हैं। लेकिन जब महायान की बात करें तो बुद्ध का शरीर भी बुद्ध है, बुद्ध के हर अंग बुद्ध है, ऐसा माना। बुद्ध में जो इम्परमानेंट भी होते हैं और परमानेंट भी होते हैं, जो चार प्रकार के काय होते हैं, बुद्ध की जो एम्प्टीनेस होती है, बुद्ध के ऊपर की जो एम्प्टीनेस होती है वो भी बुद्ध है। तो थेरवाद में जहाँ धर्म रत्न बुद्ध के जो उपदेश दिए गए
उनको धर्म रत्न रखा जाता है, लेकिन महायान में धर्म रत्न को जो है मार्ग और जो शेषन पात जिसे कहते हैं निरोध मार्ग, उन दोनों को बुद्ध, और जो धर्म रत्न है उसमें भी थेरवाद में जितने भी जो अर्हत होते हैं उनके अंदर का जो ज्ञान है उसे संघ रत्न रखा जाता है, लेकिन महायान में जितने भी आर्य हैं उन सबको संघ रत्न में रखा जाता है। तो यहाँ पे एक डिबेट आता है, महायान जो है थेरवाद को एक डिबेट करते हैं कि अगर बुद्ध के अंदर का ज्ञान बुद्ध है लेकिन बुद्ध का जो शरीर है वो बुद्ध नहीं है, तो जब कोई बुद्ध के शरीर को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उससे क्या, जो 5 प्रकार के पाप होते हैं जिसे बाउंड्रीलेस जो पाप होता है जिसका कोई बाउंड्री नहीं है, अगर वो पाप कर लिया तो आप सीधा नरक में जाओगे, वो 5 प्रकार के होते हैं। उन 5 प्रकार के उसमें से एक तो माता पिता की हत्या करना, फिर अर्हत की हत्या करना, अर्हत को फिर उसके बाद जो है बुद्ध के शरीर को चोट पहुंचाना, इत्यादि जो 5 होते हैं, क्या उनको उसका पाप नहीं मिलेगा क्योंकि बुद्ध का शरीर तो बुद्ध है ही नहीं। तो यहाँ पे थेरवाद वाले उसका जवाब देते हैं कि बुद्ध के शरीर को अगर आप हानि पहुंचाओगे तो उसका वो जो 5 प्रकार के पापों में से एक पाप का संचय होगा, क्योंकि अगर आप बुद्ध के शरीर को हानि पहुंचाओगे तो बुद्ध को भी हानि पहुंचेगी। जैसे अगर आप अपने जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां जो आपकी आँख की जो बाहर हमें दिखती है, आँख की जो गोला है, अगर आप उसको चोट पहुंचाओगे, उसको हानि पहुंचाओगे तो आपकी जो देखने की जो शक्ति होती है उसको भी हानि पहुंचेगी। डायरेक्ट आप उस शक्ति को हानि नहीं पहुंचा रहे लेकिन उसको, उस बाहर के गोले को जो ऑर्गन है उसको हानि पहुंचाने की वजह से उसको भी, उसके ज्ञान को हानि पहुंच रही है। उसी प्रकार अगर आप बुद्ध के शरीर को हानि पहुंचाओगे तो उनके ज्ञान को भी हानि पहुंचाओगे। तो जो बुद्ध रतन, संग रतन, धम्म रतन रखा जाता है, इसमें जो वो होते हैं जो थेरवाद होते हैं उसमें 2 प्रकार के जो हम श्रावक और प्रत्येक बुद्ध ध्यान रहते हैं। श्रावक बुद्ध जो है इन 3 रतनों में से मुख्य जो है संग रतन को विशेष मानते हैं, खासकर रूप से वो देखते हैं क्योंकि उनका जो होता है वो अपने अनुयायियों के साथ चलना होता है, जितने भी फॉलोअर्स होते हैं, जितने भी बुद्धा फॉलोअर्स होते हैं वो उनके साथ चलना पसंद करते हैं, तो संघ के साथ चलना पसंद करते हैं। और जो प्रत्येक बुद्धिमान होते हैं वो इन तीनों में से जो है धर्म रतन को विशेष मानते हैं, क्योंकि जो प्रत्येक बुद्धिमान होते हैं वो लोगों के साथ चलना पसंद नहीं करते, वो सॉलिटरी यानी कि एकांत में रहना पसंद करते हैं, वो दूसरों को सुनना नहीं चाहते। वो 3 प्रकार के जो प्रणिधान करते हैं जब वो प्रैक्टिस करते हैं, तो 3 प्रकार के प्रणिधान क्या करते हैं, पहला कि जब मैं बुद्ध अर्हत की प्राप्ति करने वाला हूँगा तो मैं बिना बुद्ध के वचनों को सुने अर्हत की प्राप्ति करूँ, दूसरा कि मैं ऐसी जगह में पैदा हूँ जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं होंगे, और फिर तीसरा क्या होगा कि मैं बिना शब्द को यूज करे, बिना बोले मैं लोगों को धर्म उपदेश दे सकूं। तो इन प्रणिधानों के, इन प्रेयर्स के उसके फल स्वरूप तो उनको ऐसा ही वो होता है, जब वो बुद्ध अर्हत की प्राप्ति करने वाले होते हैं वो एकांत में ऐसी जगह पर रहते हैं और बिना बुद्ध के वचनों को पहले से सुन लेते हैं, लेकिन जब अर्हत की प्राप्ति करने वाले होते हैं तो बुद्ध वचनों को ना सुन के एकांत में रह के अपने अर्हत को प्राप्त कर लेते हैं, और वो जो है दूसरों को जब उपदेश देते हैं तो बिना वचन को यूज किए देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का वो हो, चाहे वो इम्परमानेंस के बारे में भी हो, तो वो अपने शरीर के जो मुद्राएं होती हैं उनको, उनको यूज करके, गेस्चर को यूज करके उनको प्रैक्टिस जो है टीचिंग्स देते हैं। उनका इस प्रकार टीचिंग देने का एक मतलब है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर उनके जो, अगर वो स्वर का यूज करेंगे तो जब हम कुछ बात करते हैं तो उससे पहले जो है वर्ड यूज करते हैं, तो पहले हमारे जो चित है, चित में वो आना चाहिए तभी हमारे मुंह से बाहर निकलेगा, लेकिन अगर जब चित में हम कुछ सोचेंगे तो हमारे चित में जो समाधि होगी उसको ठेस पहुंचेगी, वो हमारी समाधि जो डगमगाएगी, इसीलिए वो स्वर का यूज करना नहीं चाहते, और वो शरीर के उससे जो है गेस्चर से लोगों को धर्म उपदेश करते हैं। और जो महायानी जो होते हैं वो क्या है, बुद्ध रतन को इन 3 में से बुद्ध रतन को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि उनमें जो दो, वो जो 2 प्रकार के बुद्ध को मानते हैं, एक जो जो अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है तो जिस बुद्ध के वचनों को सुन रहा है, एक वो बुद्ध और एक अपने
जो फल स्वरूप जो बुद्ध होगा, जब वो प्रैक्टिस करते करते फ्यूचर में जब वो बुद्ध बनेगा, वो जो बुद्ध है वो असली बुद्ध उसे मानते हैं, क्योंकि वही बुद्ध है जो उनको इस संसार से निकाल सकता है। जब उस इंसान के व्यक्ति के रूप चित्त में वैसे बुद्ध का उत्पन्न हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते, अपने जो फल अपना जो फल रूपी जो प्रैक्टिस करने के बाद जो खुद उसका शरीर उसका जो ज्ञान है खुद सर्वज्ञता के, उसका ज्ञान जो है सर्वज्ञता के उसमें बदल जाएगा, उसका जो शरीर है वो बुद्ध के शरीर में बदल जाएगा प्रैक्टिस करते करते। वैसा जो एक उसके फ्यूचर का जो बुद्ध है वो जो है मेन शरण है उसका, बुद्ध शरण, क्योंकि जो पहले के बुद्ध है वो टीचिंग देते हैं हमें, उनके मार्ग में चलना है, उनके टीचिंग चलते चलते हम आगे बुद्ध बनेंगे और संसार के दुखों से निर्वाण छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन जो वो वैसे जो उसका फ्यूचर का जो बुद्धा होगा, जो खुद वो बुद्ध बनेगा, वो प्राप्त कर लिया तो उससे छुटकारा उसी क्षण में उसे मिल जाएगा छुटकारा। इसीलिए दो प्रकार के बुद्ध को, पहला जो उसका हेतु है और दूसरा जो उसका फल है, दो प्रकार के बुद्ध को माया में यहाँ पे रखा जाता है। तो त्रिरत्न का जो, अगर हम त्रिरत्न में अटूट विश्वास रखेंगे, जो शरण गमन कहते हैं, त्रिरत्न में अटूट विश्वास, किस प्रकार का विश्वास कि त्रिरत्न में वो शक्ति है, वो पावर है कि वो हम इस संसार से निकाल सकते हैं, अगर इस प्रकार का विश्वास और एक डर होना जरूरी होता है शरण गमन के लिए कि इस संसार के दुखों में मैं नहीं रहना चाहता, इस संसार के दुखों का डर, नर्क के दुखों का डर, ये डर और जो विश्वास दो प्रकार के जो हेतु है, इनसे हमें शरण गमन की प्राप्ति होती है। और जब शरण गमन की प्राप्ति होगी तभी, जब हमारे अंदर शरण गमन उत्पन्न होगा तभी हम बुद्धिस्ट कहलाएंगे। इसीलिए त्रिरत्न जो है बुद्धिस्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। हम मुंह से तो कहते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, मेरा धर्म बुद्धिस्ट है, लेकिन अगर हमारे अंदर शरण गमन जो त्रिरत्न को नहीं पहचान के, त्रिरत्न न जानते हुए हम उनके शरण गमन नहीं करेंगे तो हम बुद्धिस्ट नहीं है, वास्तव में हम बुद्धिस्ट नहीं है, नाम मात्र बुद्धिस्ट हम कहलाएंगे लेकिन वास्तव में बुद्धिस्ट नहीं बनेंगे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो रहता। एक बार दलाई लामा जी कहते हैं कि जब वो लद्दाख जा रहे थे, मनाली से कई लोग वहाँ पे मिले थे जो बुद्धिस्ट थे बाइबर, तो उन दलाई लामा जी से उनकी बात हुई, तो वो उन्होंने दलाई लामा जी ने उनसे पूछा कि क्या तुम बुद्धिस्ट हो, तो उन्होंने कहा हाँ मैं, जवाब दिया। तो दलाई लामा जी ने पूछा कि अगर बुद्धिस्ट हो तो बताओ कि त्रिरत्न क्या है, तो उन्होंने जल्दी से बोला कि बुद्ध संघ और धर्म। तो दलाई लामा जी ने पूछा तो बुद्ध कहाँ है, तो उन्होंने ऊपर की ओर अंगुली करके दिखाया, आसमान में है। तो दलाई लामा जी कभी कभी मजाक में कहते हैं कि हम केवल बुद्ध धम्म और संघ मुंह से बोलते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि बुद्ध क्या है, बुद्ध कहाँ है, बुद्ध की गुण क्या है, विशेषताएं क्या है, तो इनको जानना बहुत जरूरी है। सोचते हुए हमने आज इस वीडियो में त्रेतन के बारे में जानकारी देने की कोशिश की। अगर त्रेतन से जुड़े हुए आपके मन में कोई भी सवाल हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जम्पर पाबुए चित खिम्बा दा कुंतु संभो दिया देशिं ते देदा कुंगे जिसु दालो जी गेवा दिदा थम चाह रख दूँ जिसु में शिबे गेवा थम वहाँ गांगा छो दूंगा बादे दगी गिवे सावा दिखूंगा संभो चुचे रख दूँ छजे वादा चुचे शावादा जिसु हिरा कुंजे सो आए गेवा चुसे दगी के सावा थम चे जोपे थम चे छिंबू।